तो वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक कोई वीवी सिक्स नहीं है या वीवी स्टूडियो नहीं है या डॉटनेट नहीं है, क्योंकि आप वीवीए की मदद से कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, ईएक्सई फाइल नहीं बना सकते। वीवीए के जरिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर में नए टूल्स डेवलप कर सकते हैं, नई चीजें बना सकते हैं। तो ये नई चीजें है तो क्या है, तो जो नई चीजें होती है तीन फॉर्म में होती है, पहला मैक्रोज, दूसरा फंक्शन और तीसरा यूजर फॉर्म या इंटरफेस। ठीक है, तीन फॉर्म पे। लेकिन जो भी फीचर्स आप बनाएंगे वो रन करता है सिर्फ एक्सेल के अंदर। हालांकि वीवी आपका वर्ड पावर पॉइंट सब में हो जाता है, वर्क करता है, लेकिन सबका कोड मोस्ट अलग अलग है। ठीक है, सबका कोड अलग अलग। तो यहां जो हम यूज करने जा रहे हैं मैक्रोज, फंक्शंस एंड यूजर। तो मैक्रोज क्या है, तो देखिए मैक्रोज को हम एक कह सकते हैं कि एक ऑटो पायलट है। क्या है ऑटो पायलट, जी अब ऑटो पायलट मतलब कि जो काम आप मैनुअली कर रहे हैं ना, उस काम को वो घंटों के काम को कुछ सेकंडों में कर रहे हैं। अब एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, अब जैसे एग्जांपल में देखिए कि मेरे पास, हालांकि एग्जांपल बहुत सारे हो सकते थे लेकिन थोड़ा देर पहले मैंने ये चीज पढ़ाया है तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कई सीट में डेटा है, दिख रहा है, या हो सकता है एक फोल्डर में कई फाइलों में डेटा है या कई फाइलों के कई सीटों में डेटा है। तो किसी से मैंने अगर रिपोर्ट मांगता हूं तो मान लीजिए वो प्रोडक्ट वाइज अलग अलग सीट में या डे वाइज या फिर सिटी वाइज या स्टोर वाइज वो अलग अलग डेटा आपको दे देता है। लेकिन जब आप डेटा एनालिसिस करेंगे तो सारा डेटा कंबाइन होगा तभी उस पर आप एनालिसिस लगा पाए। ऐसा मान लीजिए कि पूजा का टोटल सेल जनवरी में क्या है, अभी अलग अलग स्टोर है तो यहाँ तो सिर्फ एक ही स्टोर का डेटा है ना, मुझे फिर दूसरे स्टोर का फिर तीसरे स्टोर का डेटा लेना हो फिर टोटल करना पड़ेगा तब पता चलेगा ना सर। तो यहाँ यही चीज आपको आपको जो है आपको जो समझनी है। अब इस काम को अगर मैं मैनुअल करूँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, दो चीज, एक तो टाइम वेस्ट होगा, क्या टाइम वेस्ट होगा ना, दूसरा एरर, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 सीट का डेटा कॉपी कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि दो चार सीट का डेटा आप छूट जाए या हो सकता है कि एक दो सीट का डेटा डबल कॉपी पेस्ट हो जाए। उन सबों को दूर करने के लिए आपको बस एक प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करने के बाद जाना है और अपने माइक्रो को जस्ट रन। जैसे आप रन करेंगे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक चल रहा है एकदम स्पीड से और कुछ ही सेकंड में उसने काम कर दिया और 100% एक्यूरेसी के साथ इसने कोई सीट को छोड़ा नहीं, कोई डेटा को डबल नहीं किया। तो इसने क्या यूज किया, इसने एक प्रोग्रामिंग यूज की जो आप यहाँ देख पा। तो इसने जो हम मैनुअली करते उसी को हमने कमांड किया कि भाई जाओ सीट में जाओ, शीट का नेम कॉपी कर लो, डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करो, डेटा सीट पे वापस आओ, पेस्ट स्पेशल करो, फिर रो को डिलीट करो, फिर मूव करके उस पे सीट का नाम दो, जो मैनुअली करते उसी को हमने वीवी की भाषा में बोला और यही वन बाय वन वो कोड को चलाएगा। अब बोलेंगे सर मेरे पास 100 सीट है तो कोड तो 100 पर लाइन की होनी चाहिए, तो एक ही हमने एक ही सीट पे चीज जो परफॉर्म की उसी को मैंने यहाँ पे लूप के जरिए रिपीट कर दिया, कितना 1 2 sheet.count, जितने शीट्स हैं उतने चले या जितने फाइल होगी उतना चलेगा। तो ये रिपीटेशन वगैरह हो जाती है। अब ऐसा ही किसी ये क्यों बोला, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे पास तो रिकॉर्डिंग माइक्रो है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत लोगों को हो जाती है, शायद आपको भी हो, ये जहां तक उम्मीद है कि आपको ना होगी। कुछ लोग समझते हैं कि जो हम कोडिंग टाइप करते हैं उसको वीवीए कहते हैं और जो माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं, जो रिकॉर्डिंग माइक्रो दिख रहा होगा यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उस माइक्रो के जरिए उसको माइक्रोज कहते हैं। अब एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, क्योंकि आप रिकॉर्ड करें या कोड करें दोनों माइक्रो कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इस पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक माइक्रो जो मैंने रिकॉर्ड किया
ये माइक्रो मैंने खुद से कोडिंग की, दोनों वीवीएल लैंग्वेज को यूज किया, ठीक है, वीवीएल लैंग्वेज यूज किया। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो एक टूल्स है जो आपके माउस और कीबोर्ड ऑप्शन को कोड में कन्वर्ट कर देता है, मैं ये कह सकते हैं कि आपकी बिहाफ पे वो माइक्रो की कोडिंग कर देता है। लेकिन दोनों केसेस में माइक्रोज ही बनते हैं, दोनों केसेस में क्या बनते हैं सर, माइक्रोज मैक्रोज़। ही बनते हैं, समझे। यस अब यहाँ पे ये तो हो गई, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो फिर हम हमारे पास ऑलरेडी चीजें हैं तो हम क्यों माइक्रो सीखें, माइक्रो हम क्यों सीखें। तो देखिए रिपीटेशन से बताया ना आपको कि अगर आप मान लीजिए कि कोडिंग करते हैं तो उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा लिमिट, मैक्रोज में भी लिमिटेशन थोड़ा है, लिमिटेशन लिमिटेशन रहता है, है, तो एडवांस लेवल पे लिमिटेशन जाके वीवीए हाँ, कोडिंग नहीं लिमिट मैं वही तो बता रहा हूँ। तो करने माइक्रोज और वीवीए दोनों एक ही है, माइक्रोज इज मान लीजिए कि फैक्ट्री, और सॉरी वीवी इज द का फैक्ट्री, माइक्रो इज द प्रोडक्ट, चाहे रिकॉर्ड के थ्रू हो या कोड के आपने खुद से किया होगा, और वीवीए जरूरत है। दोनों केसेस में यूज होता है, आपका रिकॉर्डिंग माइक्रो वीवीए यूज करता है, उसे कोई अपना लैंग्वेज यूज नहीं करता है। तो माइक्रोज कभी मत बोलेगा, रिकॉर्ड माइक्रोज बोलेगा जब रिकॉर्डिंग माइक्रो को बोलते हैं, तो अगर माइक्रोज बोलते हैं तो रिकॉर्डिंग और वीवीए दोनों को आप कॉल करना है, ठीक है, इंटरव्यू यस वगैरह में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हाँ दोनों केसेस में हम माइक्रो ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे रिकॉर्डिंग में हो या कोडिंग में, रिकॉर्ड माइक्रो करना है तो रिकॉर्ड माइक्रो बोल सकते हैं। रिकॉर्ड माइक्रो छोटा सा टूल्स है जो आपके माउस और कीबोर्ड एक्शन को कन्वर्ट कर देता है कोड में, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो डायनेमिक नहीं हो सकता, वो रिपीटेड नहीं हो सकता, कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकते, कनेक्टिविटीज नहीं हो सकता, समझ गए ना। हाँ डेटा डेटा के अकॉर्डिंग वो अपने अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकता, हाँ ये चीजें नहीं होती है, बट रिकॉर्डिंग जब हम कोड करते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से अपनी उसकी कोडिंग लिखते जाते हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करो, ऐसा ना हो तो ऐसा करो, ऐसा करने से पहले ये चेक कर लो, अगर चेक कर लिया तो दूसरा करो, अदरवाइज मत करो, सब चीजें हम उस कोड के रूप में डाल देते हैं और उसी कोड को वो स्टेप बाय स्टेप देखता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करता ओके यस है, समझ गए। यस अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इट मीन्स फॉर्मूला, जैसे वी लुकअप एच लुकअप फॉर्मूले होते हैं ना, ऐसे आप खुद के फॉर्मूले बना सकते हैं, खुद के फॉर्मूले। हाँ अब क्वेश्चन आता है कि मेरे पास फॉर्मूला में ऑलरेडी इतने सारे फॉर्मूले हैं, अभी तो पूरा यही नहीं सीखे और फिर नई फॉर्मूले की बात हो रही है, तो नई फॉर्मूले के मतलब ये हुआ कि आप अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि वी लुकअप का फॉर्मूला है, अब वी लुकअप हाँ फॉर्मूला जो हाँ सेट है उसी के बारे में वर्क करेगा ना, आप चाहोगे कि मेरे हिसाब से काम करे, करेगा नहीं करेगा, तो हाँ इसमें दिक्कत क्या है, इसमें रिपीटेशंस सॉरी रिपीट वैल्यू को लुकअप नहीं करता, हाँ उसके बाद लेफ्ट टू राइट ही चलता है, दो डेटा सेट से हाँ वी लुकअप नहीं करेगा, डेटा नहीं डेटा अगर दो जगह स्प्लिट हो तो वी लुकअप अप्लाई नहीं होगा क्या। एग्जैक्ट नाउ जैसे मान यस लीजिए कि SVI 101010, इसमें SVI नहीं रहेगा, सिर्फ 1000 रहेगा, तो वन लुकअप नहीं करेगा क्या। हाँ तो ये यस सारी चीजें आप जो है अपना खुद की जो फॉर्मूला बनाए उसमें सारी चीजें डाल दें और यूज कर लें। ओके अब बात करते हैं यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म जो होता है वो इंटरफेस के लिए पॉपअप, ठीक है ना, ताकि कोई भी हाँ एक्स्ट्रा आसानी से यूज करे, जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करके देखिएगा यूजर फॉर्म खुल जाएगा, हाँ फाइल ओपन कर रहा हूँ, फाइल ओपन नहीं होगा, उसका यूजर फॉर्म खुल जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ तो डेटा पे क्लिक कीजिए तो वापस आपका डेटा पे पहुंच जाएगा, यूजर फॉर्म है। जैसे मान लीजिए कि मुझे मैं चला जाता हूँ डेटा पे, और यहाँ पे आया डेटा, अब इस पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही जो अब इसमें जो भी एंट्री करूंगा यहाँ पे एंट्री होते चला जाएगा। आपको मेलिंग करनी है, मान लीजिए मुझे 500 लोगों को मेल करना है, मेल वडी पे मेरा डेटा, तो मेल वडी पे भेज सकते हैं, ये ईमेल लिस्ट में, ये सारी प्रोग्रामिंग आप हम हमारी क्लासेस में आप सीखेंगे, आप देख सकते हैं सारी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे फाइल खुल गए यस जिसका ऑटो मेमोरी बता रहा है।
ठीक है, ये हाँ आउटलुक की यस दो तीन यस लाइन रहती है ना, ये पूरा पूरा किसी को पढ़ाया है मैंने उसका बैच का। हाँ, हाँ सर तो ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके यस तो यस तीन चीजें आपने सीखा, माइक्रोज, फंक्शंस यस और यूजर यूजर, यस ठीक। यस अब बात करते हैं कि माइक्रो का इस्तेमाल कब करें, माइक्रो का इस्तेमाल कब करें। देखिए, माइक्रो का इस्तेमाल जब आप करना चाहें तो दो चीजें हैं, सिचुएशन, हाँ सिचुएशंस मतलब कि आप जो माइक्रो इस्तेमाल करना चाहते हैं, माइक्रो यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हाँ देखिए कि आप जिस फाइल पे करना चाहते हैं उस फाइल का सिचुएशन क्या है। देखिए दो चीजें, अगर रिपीटेड जॉब है, ऐसा काम जो आपको बार बार आया, हाँ उसको आप, उसके लिए आप एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यस बार बार आया है तो एक्सेल यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक रिपोर्ट बनानी है, डेली बेसिस पे रिपोर्ट बनानी है, डेली आपको 1 घंटा का टाइम लग जाता है, तो उसके लिए आप ऑटोमेशन तैयार कर सकते हो। जैसे उसी तरह से रोज रोज अगर आपको आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस आपका दूर है, ऑफिस जाना है, कन्वीनियंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बाइक या कार अपने बुजुर्ग कुछ ना कुछ खरीदेंगे। लेकिन पता चला कि नहीं यस नहीं आपको जो काम ये आया है एक बार के लिए आया, इन फ्यूचर में आएगा नहीं है, उसके लिए थोड़ी आप माइक्रो हाँ बनाए क्या। तो आपको दिल्ली, बरोबर आपको फर्स्ट टाइम दिल्ली जाना है, इसके बाद दोबारा आप जाएंगे कब जाएंगे पता नहीं, तो उसके लिए थोड़ी क्या हाँ आईएसबीसी हाँ का क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे आप पहले ये। यस हाँ, तो उसी लिए उसी केस में हम जो है माइक्रो का भी देखते हैं कि अगर रिपीटेड जॉब है तो हम माइक्रो यूज करते हैं। दूसरा, लेंदी हाँ वर्क, कोई एक काम आया आया है हाँ तो है तो एक ही बार, लेकिन इतना लेंदी है कि करने बैठूं तो काफी टाइम लगता हाँ है। तो उस केस में हम यूज करते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग, ओके ताकि हमारा काम जल्दी हो ओके जाए। तो हम ये देखते हैं कि हमारा टाइम कहाँ बच रहा है, वीवी के थ्रू बच रहा है या एक्सेल के थ्रू बच रहा है, समझ गए। हम हाँ बस ये हाँ देखते हैं कि हमारा टाइम कब बच रहा है, वीवी के थ्रू या एक्सेल के थ्रू। अगर वीवी के थ्रू बच रहा है तो वीवी का इस्तेमाल कर लेंगे, एक्सेल के थ्रू बचता है तो एक्सेल का इस्तेमाल कर, ठीक है, हाँ पहली चीज। उसके बाद दूसरा यस आता यस है यहाँ पे कि किसके लिए माइक्रो इस्तेमाल कर। देखिए, आप अपने लिए माइक्रो इस्तेमाल करते हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और के लिए माइक्रो इस्तेमाल करते हैं, समझे, हाँ किसी और का मतलब जैसे कि एक ऐसा फाइल मैंने बनाया जिसको 10-20 लोगों को भेजना है, उस केस में हाँ अगर आप माइक्रो बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपने अगर 100 लोगों को भेजा, 100 में से 80 लोग माइक्रो जानते थे, ठीक है, 20 लोग माइक्रो के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके पास फाइल जाते ही एक अलर्ट देगा। क्यों? क्योंकि तो डेवलपर के अंदर सिक्योरिटी में माइक्रो डिसेबल होता है। क्या होता है? माइक्रो डिसेबल, तो एक पीसी सिक्योरिटी अलर्ट हाँ देगा। जैसे ही सिक्योरिटी अलर्ट दिया, वो समझेगा यार इस फाइल के अंदर तो एरर है, समझे। ठीक हाँ तो या फिर आपको फोन करेगा कि तुम्हारे फाइल में प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी अलर्ट दे रहा है, वायरस आ गया है, आप समझाओगे। हाँ तो 20-25 लोगों हाँ को समझाना सरदर्द क्यों बालों। दूसरा, सही कि बहुत आपका जो भी माइक्रो चीज यूज करते हैं वो सारा का सारा आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे वर्क करता है, आपका एंड्रॉयड एक्सेल पे या आपका ऑनलाइन एक्सेल पे वर्क नहीं करता। हाँ तो आपने ऐसा कुछ किया और बॉस ने एंड्रॉयड मोबाइल पे वर्क देख लिया जीमेल खोल के, या फिर अपने टैब पे देख लिया, तो उनको माइक्रो माइक्रो कंपोनेंट वर्क ही नहीं करेगा, तो आपका पूरा का पूरा हाँ मेहनत वेस्ट वो हो गया। डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर ही वर्क करेगा ओनली जी, ओनली ऑन डेस्कटॉप में जी। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, सीखने के लिए क्या चाहिए। सीखने के लिए सबसे पहले चाहिए एक्सेल की नॉलेज। अब आपने बोला कि यस आपको एक्सेल आता है, ठीक है, अच्छी बात है, एक्सेल आता है आपको। अब दूसरा, कैसे पर आपको कितना एक्सेल आता है इसकी नॉलेज तो मुझे नहीं है ना सर। हाँ तो अब सही ऐसा कुछ नहीं कि आपको टेस्ट बुक्स लूंगा, मैं आपको एक 5 घंटे का वीडियो रिकमेंड करूंगा, अभी व्हाट्सएप पे जस्ट भेजा है मैंने। हाँ
अब इस वीडियो को देखिए, अब इस वीडियो को पूरा नहीं देखना है, ऐसा नहीं कि आप उसको पूरा देखे बैठे, जो हाँ टॉपिक आपको नहीं आता है बस उसी टॉपिक को देखना है, जो टॉपिक आता है उसको कर दीजिए स्किप, यस यस ठीक है, यस यस और फिर इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम घंटे 2 घंटे का होना चाहिए टाइम, प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए। यस तो प्रैक्टिस के लिए टाइम है आपके पास तो आप जो है सीखे, अदरवाइज आप टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करें, यस यस ठीक है। यस अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कितना प्रैक्टिस का टाइम होना चाहिए। देखिए घंटे 2 घंटे तो होना चाहिए, जितना ज्यादा उतना कम, उतना इसलिए कम है क्योंकि एक्सेल जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स नीड ऑलवेज हाँ प्रैक्टिस, सिंपल सी कहावत हमने बचपन में सीखा, हाँ तो उतना होना चाहिए। कोर्स क्या यस क्या यस होगा, क्या क्या टॉपिक कवर होगा, इसकी मैंने आपको पीडीएफ फाइल आपको भेजी है, आपने देखा होगा, हाँ उसमें हाँ कुछ डाउट है? नहीं सही